नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हाजिर हुए हैं। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, आज की जो हमारी कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, एक मोर और एक कौवा की कहानी है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक है, बड़ी ज्ञानवर्धक कहानी है। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। दर्शकों, जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर छोड़ देते हैं उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है और बाद में वो लोग कमेंट करते हैं कि कहानी का कोई सार पता नहीं चला। प्रिय दर्शकों, यदि आप कहानी के सार को पाना चाहते हैं, कहानी के सार को समझना चाहते हैं तो प्रिय दर्शकों वीडियो पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण कहानी का सार समझ में आए। और प्रिय दर्शकों, आधा अधूरा जो ज्ञान होता है हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। दर्शकों, आज की जो कहानी है आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देने वाली है। ये बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है। जो लोग अपने जीवन से मायूस हो जाते हैं, जो लोग अपने जीवन से अथा परेशान हो जाते हैं, उन लोगों के लिए ये कहानी किसी वरदान से कम नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ऊपर वाले ने मुझे ऐसे घर में जन्म क्यों दिया है, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ऊपर वाले ने मुझे ऐसी समाज में जन्म क्यों दिया है, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ऊपर वाले ने मुझे गरीब घर में जन्म क्यों दिया है, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ऊपर वाले ने मुझे ऐसा काला रंग क्यों दिया है। प्रिय दर्शकों, उन सभी के लिए आज की कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। इन्हीं बातों को हमने तो कई लोगों को यहां तक देखा है कि कई लोग अपनी गरीबी से इतने मायूस हो जाते हैं कि वो लोग गलत कदम तक उठाने को मजबूर हो जाते हैं। और हमने यहां तक भी देखा है कि कई लोग अपनी समाज को लेकर भी अपने जीवन से इतने मायूस हो जाते हैं कि वो लोग अपना जीवन ही खत्म करने, कभी भी ऐसा ना कर, भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा तो आपको संपूर्ण जानकारी हासिल होगी। इस कहानी में आप जानेंगे कि जो लोग अपने जीवन से मायूस हो जाते हैं, जो लोग अपने जीवन से अथाह परेशान हो जाते हैं, उन लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए ताकि वो लोग फिर से अपना जीवन को सुधार सकें और फिर से अपने जीवन को एक नई आशा के साथ, एक नई किरण के साथ अपने जीवन की शुरुआत करें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्राचीन काल की बात है, एक जंगल में एक कौवा रहता था। वो कौवा अपने रंग रूप से बड़ा मायूस था, बड़ा परेशान था। वो कौवा जब भी किसी मोर को देखता तो मोर की सुंदरता को देखकर और अपने आप को देखकर वो बड़ा दुखी हो जाता। वो अक्सर यही सोचता कि मोर कितना सुंदर है, कितने सुंदर इसके पंख है, इसका रंग रूप कितना सुंदर है और इसकी वाणी कितनी सुंदर है। जब भी मोर बोलता है लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। लेकिन मेरा रंग, मैं काला कलूटा हूं, कोई भी लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, कोई भी लोग मेरी तारीफ नहीं करते हैं। मैं जब भी किसी के घर पे या किसी के आंगन में जाके बैठता हूं तो लोग मुझे फत्तर मार के भगा देते हैं, फत्तर मार के उड़ा देते हैं। कोई भी लोग मुझसे प्रेम नहीं करता है, कोई भी लोग मुझे दाना पानी नहीं करता है। यही सोचकर वो कौवा बड़ा दुखी हो जाता है, बड़ा मायूस हो जाता है और वो सोचने लगता है, यदि ऊपर वाला यदि मुझे मोर बना देता तो कितना अच्छा होता, मैं भी मोर बनकर अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करता। प्रिय दर्शकों, यही सोचकर वो कौवा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता और काफी सारे मोर को देखता। फिर उस स्थान से उड़कर तीसरे स्थान पे पहुंचता तो वहां भी वो जाके मोर को देखता। अब वो कौवा अक्सर जहां भी मोर होते वहां जाता और मोर को निहारता और मोर की सुंदरता को देखकर
अंदर ही अंदर जलता और मोर की सुंदरता को देखकर खुश भी होता, बड़ा प्रसन्न भी होता। अब एक दिन वो कौवा किसी रास्ते से जा रहा था तो रास्ते में उनको काफी सारे मोर पंख पड़े हुए दिखाई देते हैं। तब वो कौवा उन मोर पंख के पास आता है और सभी मोर पंखों को उठाकर इकट्ठा कर लेता है। इकट्ठा करने के बाद सभी मोर पंख को छूकर देखता है और बड़ा प्रसन्न होता है। मोर पंख पाने के बाद कौवा इतना खुश होता है कि मानो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। कभी मोर पंख के ऊपर बैठता, कभी नीचे, कभी मोर पंखों के बीच में घुस जाता, कभी मोर पंख को छू करके देखता। इसी तरीके से वो कौवा मोर पंख के साथ खेलने लग जाता है और बड़ा प्रसन्न होता है, बड़ा खुश होता है। तभी उस कौवे के मन में एक विचार आता है। वो सोचने लगता है कि इतने सारे मोर पंख हैं, इन सभी को यदि मैं अपनी पूंछ से बांध लूं और अपनी पूंछ बांध करके मैं भी मोर बन सकता हूं। यही सोचकर वो कौवा सभी मोर पंख को इकट्ठा करके और अपनी पूंछ के स्थान पर बांध लेता है। पूंछ के स्थान पर बांधने के बाद बड़ा प्रसन्न होता है, सोचने लगता है कि अब तो मैं मोर बन गया हूं, अपने आप को मोर जैसा महसूस करने लगता है। और वहां से उड़ करके और वहां से चल करके कौवे के सरदार के पास पहुंचता है और बड़ा अकड़कर कौवे के सरदार से कहता है कि सरदार, क्या आप मुझे देख नहीं रहे हैं, मैं कौन हूं? तब वो कौवे का सरदार कहता है कि भाई, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम कौवा हो, तुम हमारी बिरादरी के हो। लेकिन वो कौवा कहता है कि नहीं, मैं अब मोर बन चुका हूं और मैं अब तुम्हारी इस कौवे की बिरादरी को छोड़ करके जा रहा हूं और मैं मोर बिरादरी में शामिल हो जाऊंगा और लोग मुझसे बेहद प्रेम करेंगे। सभी मोर बिरादरी के मोर भी मेरे से बड़ा प्रेम करेंगे। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं मोर बन गया हूं, फिर भी तुम मुझसे कौवा कह रहे हो। इस तरीके से अकड़कर वो कौवा अपने सरदार से कहता है। उस कौवे की इतनी बात सुनने के बाद कौवे का सरदार उस कौवे की मूर्खता पर हंसने लगता है और कहता है कि यदि तुम मोर बन गए हो तो ठीक है, जाओ यहां से और दोबारा कभी हमारी समाज में लौट के मत आना। अब वो कौवा अपने आप को मोर समझता हुआ वहां से चलकर काफी सारे मोर बैठे हुए थे उनके बीच में चले जाता है और उनके चारों तरफ मंडराने लगता है। कभी उनके आगे जाता, कभी उनके पीछे जाता। सभी मोर और मोरनियों को वो कौवा ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे पीछे मोर पंख लगा हुआ है और मैं भी मोर हूं। सभी मोर मोरनियों को ये दिखाने की बार बार कोशिश करता, कभी उनके आगे जाता, कभी उनके पीछे जाता, कभी दाएं मंडराता, कभी बाएं मंडराता। कौवे की इस हरकत को देखकर सभी मोर उस कौवे पे हंसने लगे और मोर कौवे से कहने लगे कि तुम एक कौवा हो और कौवा ही रहोगे, तुम मोर बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुमने मोर पंख अपनी पूंछ के क्या बांध लिया, तुम अपने आप को मोर समझने लग गए हो। तब वो कौवा कहता है कि तुमको दिखाई नहीं देता है, मेरी पूंछ में मोर पंख उग रहे हैं और मैं मोर बन गया हूं, मुझे अपनी बिरादरी में शामिल करो, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। कौवे की इस दुष्टता भरी बात को सुनकर सभी मोर बड़े चिंतित हो जाते हैं और कौवे पे हंसने लगते हैं, कभी तरस भी खाते हैं, सोचने लगते हैं कि एक कौवा है, इसके क्या मुंह लगना। लेकिन वो कौवा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। वो बार बार उनके आगे मंडराता है, कभी पीछे मंडराता है और उनसे अकड़ कर कहता है, यदि तुम लोग मुझे अपनी बिरादरी में शामिल नहीं करोगे तो परिणाम अच्छा नहीं होगा, इसका परिणाम बहुत घातक हो सकता है। तब सभी मोर सोचने लगते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं और ये जो कौवा है ये लातों का भूत है, ये बातों का भूत नहीं है, इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है। यदि सभी मोर मिल करके और इसकी जोरदार पिटाई कर दी जाए, इसको जोरदार मार लगा दी जाए तो ये कौवा अपने आप यहां से चले जाएगा। यही सोचकर सारे मोर उस कौवे पे टूट पड़ते हैं और उसको बुरी तरह से मारते हैं, इतना मारते हैं कि कौवा घायल हो जाता है। तब घायल कौवे को छोड़कर सभी मोर वहां से चले जाते हैं। अब वो कौवा धीरे धीरे खड़ा होता है, उसकी हड्डियां अकड़ जाती हैं
उसका बदन सूज जाता है। अब वहां से धीरे धीरे उड़कर जाता है और अपने कौओं के सरदार के पास जाता है। जाकर के अपने सरदार से कहता है कि सरदार, मोर मोरनियों ने हमें बहुत बुरी तरह मारा है। ये हम कौवा जाति का बड़ा अपमान है। कौवे की इतनी बात सुनने के बाद कौओं का सरदार उस कौवे से कहता है कि तुम मोर बन के गए थे और वापिस कौवा बन के क्यों लौट आए हो? तुमसे हमने जाते वक्त कहा था कि दोबारा कभी हमारे कबीले में लौट के मत आना, लेकिन तुम फिर से लौट के आ गए हो। तब वो कौवा अपने सरदार से कहता है कि सरदार, कि मोर मोरनियों ने मुझे अपनाया नहीं है और मुझे मार पीट करके वहां से भगा दिया है, इसलिए मैं वापिस आपकी शरण में आया हूं। तब वो कौओ का सरदार कहता है कि हमारे कबीले में तुम जैसों की जरूरत नहीं है, यहां से तुरंत चले जाओ। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो यहां से तुरंत चले जाओ। लेकिन फिर भी वो कौवा नहीं जाता है। तब वो कौओ का सरदार अपने साथियों को बुलाता है और उस कौवे की फिर से बुरी तरह मारपीट करते हैं। अब वो कौवा बहुत घायल हो जाता है और कौओ का सरदार अपने कबीले से, अपनी बरादरी से उस कौवे को बाहर निकाल देते हैं। उस कौवे को जात बाहर कर दिया जाता है। अब वो कौवा घर का रहा ना घाट का, वो कहीं का भी नहीं रहा, नहीं तो मोर बन सका और नहीं पूर्णतः कौवा बन के रहा। प्रिय दर्शकों, उस कौवे का जीवन ही बर्बाद हो जाता है। वो कौवा अपनी करनी पे बहुत पछताता है, घुट घुट के रोता है और कौवा कहता है कि कोई भी भाई मेरी जैसी सोच ना रखे, कोई भी अपने जीवन से दुखी ना हो, कोई भी अपने रंग रूप से दुखी ना हो, कोई भी अपनी गरीबी से दुखी ना हो, कोई भी अपनी समाज से, अपनी बिरादरी से दुखी ना हो। यदि तुम लोग अपना भला चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तो जैसा जन्म आपको मिला है, जिस घर में आपको जन्म मिला है, जिस बिरादरी में आपको जन्म मिला है, जैसा रंग रूप आपको मिला है, उसी पे विश्वास रखो। कभी भी दूसरों की कल्पना करके खुद को दुखी मत करो। जो लोग दूसरों की कल्पना करके और खुद को दुखी कर लेते हैं, उन लोगों का पतन हो जाता है, उन लोगों का नामो निशान मिट जाता है। इसलिए कभी भी दूसरों की बराबरी मत करो, कभी भी दूसरों की कल्पना करके खुद को दुखी मत करो। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। आप कभी भी अपने जीवन से मायूस नहीं होंगे, अपनी बिरादरी से परेशान नहीं होंगे, अपनी समाज से दुखी नहीं होंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।